हेलो फ्रेंड्स, किंग कॉन्टैक्ट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं किंग कॉन्टैक्ट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल की ऐप के बारे में, जिस ऐप का नाम है एम्प्टी फोल्डर क्लीनर। इस ऐप से दोस्तों आप बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों उस एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि एप्लीकेशन जब आप अनइंस्टॉल करते हैं तो एप्लीकेशन आपका अनइंस्टॉल हो जाता है, लेकिन आपके जो फोल्डर्स रहते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं और आपकी स्पेस जो है तो वो स्पेस को भरा रखते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अगर ऐसे डिलीट करना चाहेंगे तो आप अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद देखेंगे आप कौन सा फोल्डर आपको डिलीट करना है, कौन सा फोल्डर आपको रखना है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सिंपली आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिस एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन से बिना अंदर जाए या बिना उसमें चेक किए हुए आप ऑटोमेटिकली जो है तो अपने एम्प्टी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन, तो आपको सिंपली क्लीन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब क्लीन के ऑप्शन में आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीट होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये दिखा रहा है 24 आइटम डिलीट, तो 24 आइटम जो यहाँ मेरे में थे, मैंने एक बार इसको किया है तो इसलिए जो है तो इसमें कम बताया है। तो मैंने फिर से आपको करके दिखा दिया, 24 आइटम डिलीट यहाँ पे बता दिया है। तो जितने भी मेरे में फालतू फोल्डर थे, जहाँ जहाँ के फालतू फोल्डर थे वहाँ उसने डायरेक्टली इसको डिलीट कर दिया है। और मैंने फिर यहाँ पे क्लीन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे 0 आइटम डिलीट, मतलब कि अब मेरे में से सारे आइटम डिलीट हो चुके हैं। तो सिंपली दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।